students, today we are going to start a poem on the beach at night. So first of all, I would like to tell you some general fact about the poem. Walt Whitman wrote two lyrics on the beach at night. One of them was written in 1856 and was entitled as On the Beach at Night Alone. The second was entitled On the Beach at Night and was written in 1871. In the poem, basically, the poet appeared as visionary and mystic as well. He wants to understand the mystery of the world. He chooses a girl and her father as a medium for this purpose. The girl child stands for innocence and simplicity. On other side, his father symbolizes wisdom, age, and learning. She stands with her father on the beach. The sea is in front of her. The sky is before and above her. She looks toward the east, which symbolizes spiritualism. She is amazed to see such a vast expanse of sky and such a vast expanse of water spread before her. Spiritual questions arises in her mind. So basically, as I already told you, कि जो विटमिन है इसने दो लिरिक लिखे थे, तो ये हमारा On the Beach at Night second lyric है, जो कि 1871 में published हुआ था. तो इस poem के अंदर वैसे तो ये visionary और mystic है and depend with the various interpretations, right? So, लेकिन इस poem के अंदर विटमिन ने use किया है एक child को और एक father को, जो कि दोनों खड़े हैं एक beach के किनारे, जहाँ पर कि father symbolizes करते हैं age को, learning को, wisdom को. On the other side, जो child है हमारा, वो जो सिंबल है वो किस चीज का है? इनोसेंस का एंड सिंप्लिसिटी का. सो द पोयम इज अ मोड ऑफ कन्वर्सेशन एंड इज अ क्वाइट इट इज अ डेफिनेटली इट इज अ पिक्टोरियल काइंड ऑफ अ पोयम. सो यहाँ पर एक बच्ची जो बीच के किनारे खड़ी है वो देख रही है एंड अपने फादर से कन्वर्सेशन फॉर्म में बात करती है. सो लेट्स स्टार्ट द पोयम विदाउट एनी डिले. ऑन द बीच एट नाइट stands a child with her father, watching the east, the autumn sky. So, जो बच्ची है शायद शाम का समय है और अपने फादर के साथ खड़ी है और ईस्ट की तरफ देख रही है. ऑटम का महीना है और ईस्ट की तरफ देख रही है. As we have already talked that east is the symbol of spirituality. आप देखो ना, ईस्ट की कंट्रीज कौन कौन से हैं? इंडिया, चाइना, जापान, इधर के ही तो कंट्रीज हैं. और सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी इंडिया में ही तो है. सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल गुरुज और बात जो की जाती है डीप इन स्पिरिचुअलिटी की, स्टडीज़ में हो चाहे फिलोसफी में हो, वो ईस्ट के अंदर प्रोमिनेंटली फॉर्म्ड है. अप थ्रू द डार्कनेस वाइल रेवनिंग क्लाउड्स द बरियल क्लाउड्स इन द ब्लैक मासेज स्प्रेडिंग लोअर सुलन एंड फास्ट athwart and down the sky, amid a transparent clear belt to ether yet left the east, ascends large and calm the lord star Jupiter. तो अब जब वो बच्ची sky की तरफ देख रही है तो वो क्या देखती है कि जो black color के clouds हैं, ravening होता है wild animal, तो black color के जो clouds हैं बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट में चले आ रहे हैं. और वो क्या करते हैं, जो स्काई के अंदर एक स्टार्स दिख रहे हैं या जो क्लियर स्काई है उसको ओवरलैप करते हुए नजर आ रहे हैं. यहाँ लिखा है ना, द ब्लैक मास इज स्प्रेडिंग लोअर सुलन एंड फास्ट. अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, जो बादल होते हैं वो थोड़े नीचे होते हैं आसमान से, ठीक है? तो कैसे हैं? लोअर है, सलन है, सलन होता है बैड टेम्पर्ड, एंड फास्ट बहुत तेजी से चले आ रहे हैं, है ना? एथवार्ट एंड डाउन टू स्काई. सो व्हाट एथवार्ट मीन्स सराउंडेड बाय, तो सराउंडेड बाय और डाउन टू द स्काई, स्काई से थोड़े नीचे हैं. और जो ट्रांसपेरेंट सा हमारा
आसमान था उसको ढकते हुए आ रहे हैं बहुत तेजी से. एंड नाइट एट हैंड ओनली वेरी लिटिल अबाउ स्वेम द डेलिकेट ब्रदर द प्लेडिस. व्हाट इज द प्लेडिस? प्लेडिस होता है, आपने कभी देखे हो बहुत सारे कॉन्सोलेशंस दिखाई देते हैं इसके हमारे स्काई में, जिनमें से हिंदी में सप्तऋषि बोलते हैं, इंग्लिश में सेवन सिस्टर या प्लेडिस बोलते हैं. तो सेवन जो है स्काई से मिलकर, सेवन स्टार्स से मिलकर बनता है, तो उसको हम प्लेडिस बोलते हैं. तो वो क्या कहती है बच्ची कि जो बादल आ रहे हैं वो प्लेडिस को कवर कर रहे हैं, वो सेवन सिस्टर्स या सेवन स्टार्स को कवर कर रहे हैं. फ्रॉम द बीच द चाइल्ड होल्डिंग एंड सॉरी होल्डिंग द हैंड ऑफ अ फादर दोज बरियल क्लाउड्स दैट लोवर विक्टोरियस सून टू डिवोर ऑल वॉचिंग साइलेंटली वीप्स. तो वो क्या है, जो बच्ची है जो बीच पर खड़ी हुई है अपने फादर का हाथ पकड़कर, जब वो देखती है कि जितने भी काले बादल हैं उन्होंने उस तारों को, सेवन सिस्टर्स को, प्लेडिस को कवर कर लिया है, तो उसको बहुत बुरा लगता है और वो रोना शुरू कर देती है. देखो यहाँ पर ये इसके सरफेस मीनिंग है, लेकिन इन द डीपर लेवल यू कैन कंपेयर इट इन वेरियस वेज. कि कई बार जब एक परेशानियाँ होती हैं एक इंसान को घेर लेती हैं, उसको ओवरलैप कर देती हैं, तो कई बार हमें लगता है कि वो परेशानियां जीत गई हैं, जैसे कि यहाँ पर बादल विक्टोरियस हो गया था तारों को ढककर. लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है, कुछ समय बाद बुरा समय या परेशानियां सब छट जाती हैं. यू कैन कंपेयर इट विद डेथ एज वेल, क्योंकि आपने देखा ही है, हमने पहले भी बहुत सारी पोएम्स कवर की हैं जिनके अंदर की हमें पता चलता है कि जो हम विटमिन है, हमारा पोएट है, वो बहुत स्पिरिचुअलिटी की बातें करता है, स्पेशली इन द सेंस ऑफ डेथ. राइट, ही टॉक्स अबाउट रीबर्थ एंड ही टॉक्स अबाउट कि मतलब सोल नेवर डाइज. He speak that only it is body that dies, soul never dies. तो somewhere we can say this as well कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जैसे एक death आ गई है और उसने हमें खत्म कर दिया है या उसने हमें ढक लिया है, जैसे कि बादलों ने तारों को ढक लिया था. लेकिन ऐसा momentary होता है, ठीक है. बट वैसे आप इसको अगर कंपैरिजन करें तो फेलियर एंड सक्सेस के साथ करें, आई थिंक दैट इज़ मोस्ट कंपैटिबल. कि जैसे कभी कभी हमारे पास फेलियर्स आती हैं और हम बहुत परेशानियों में घिर जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो अस्तित्व है वो खत्म हो गया है, वो ढक लिया गया है. ठीक, तो अब आगे चलते हैं. Weep not, child, weep not, my darling, with these kisses let me remove your tears. The ravening cloud shall not long be victorious. They shall not long possess the sky. Shall devour the stars only in apparition. Jupiter shall emerge. Be patient. Watch again another night. The Pleiades shall emerge. तो अब उनके जो फादर हैं, being is a matured man, he know कि बादल हैं छट जाएंगे, हमेशा बादल नहीं रह सकते. हम कोई भी परेशानी कभी भी किसी इंसान को हमेशा के लिए नहीं ढक कर रख सकती, हमेशा के लिए उसे परेशान नहीं करती. एक समय आता है कि जो चीज़ें हैं सब बीत जाती हैं. तो इन द सेम वे जो फादर हैं अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसको कंसोल करते हुए नजर आते हैं और उसको क्या बोलते हैं कि रो मत, डोंट वीप माई चाइल्ड. से कि जिस तरह से जैसे आपने कभी देखा होगा जब बच्चे बहुत परेशान होते हैं, रोते हैं, तो पेरेंट्स उनके आंसू पोंछते हैं, उनको गले लगाते हैं, उनको कंसोल करते हैं. इन द सेम मैनर द फादर इज कंसोलिंग हर डॉटर और वो उसके आंसू पोंछते हैं और उसको क्या समझाते हैं कि ये जो बादल हैं ये हट जाएंगे, ये चले जाएंगे और आप थोड़ा सा सब्र रखो, बी पेशेंट, ठीक है. वॉच अगेन अनदर नाइट, जब आप किसी और रात में कल परसों देखोगी तो आपको प्लेडिस सेल इमर्ज, आपको दोबारा से दिखाई देगा. दे आर इमॉर्टल ऑल दोज स्टार्स बोथ सिल्वरी एंड गोल्डन शेल शाइन आउट अगेन. क्योंकि जो तारे हैं वो इमॉर्टल हैं, कोई भी बादल उनको हमेशा के लिए नहीं ढक सकता है. बादल चला जाएगा, तारे फिर से चमकेंगे. इन द सेम वे फेलियर चली जाएगी, कोई भी फेलियर, कोई भी
प्रॉब्लम किसी इंसान के व्यक्तित्व को ज्यादा दिनों तक ढांप कर नहीं रख सकती, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, कभी अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे भी नहीं रहेंगे, है ना। जब सक्सेस नहीं रही तो फेलियर भी नहीं रहेगी, ये भी बीत जाएगी और फिर से चमकेंगे हम, है ना। तो इन द सेम वे इट इज सेड कि कोई परेशानी नहीं घेर सकती, किसी इंसान के व्यक्तित्व को नहीं दबा सकती, वो फिर से चमकेगा उसी स्ट्रेंथ के साथ, उसी पावर के साथ। इन द सेम वे यू कैन इंटरप्रेट इन द फॉर्म ऑफ डेथ, कि डेथ बॉडी को हमेशा के लिए नहीं मार सकती। जैसे तारे आसमान में इमॉर्टल हैं, इन द सेम वे सोल भी इमॉर्टल है। कहा जाता है ना कि हमारी बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी है और आखिरी में जाकर इन 5 एलिमेंट्स में ही मिल जाती है। बट योर सोल इज इमॉर्टल, नथिंग कैन मेक योर सोल डाइड, कुछ भी नहीं आपकी सोल को मार सकता। इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इन टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चली जाती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है। क्यों? क्योंकि सोल और कुछ भी नहीं है, एक एनर्जी सोर्स है। एंड इन साइंस वी से एनर्जी नीदर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, ना ही कभी पैदा किया जा सकता है। इसको तो सिर्फ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। इन द सेम वे सोल क्या है? एनर्जी ही तो है, तो वो कभी खत्म नहीं हो सकती, वो दोबारा से रीजनरेट होगी, वो किसी और रूप में, किसी और शरीर में पैदा होगी ही। तो सोल नहीं मरती है, इसलिए रोना बेकार है, चिंता करना बेकार है। तो आप देखिए, हम दो इंटरप्रिटेशंस लेकर चल रहे हैं, एक तो वही कि फेलियर किसी इंसान को नहीं ढक सकती, सेकेंडली हम डेथ के साथ इसको करें, क्योंकि आप विटमैन को जितना ज़्यादा पढ़ते हैं, यू फील दैट ही इज अ मिस्टिकल पोएट, ही टॉक्स अबाउट डीप स्पिरिचुअलिटी, बहुत डीप स्पिरिचुअलिटी की बातें करता हुआ नजर आता है। तो अगर हम सरफेस लेवल पर कहें, तो अभी तक हमने देखा कि एक बच्ची और अब उसके जो फादर हैं वो बीच पर खड़े हुए हैं, और बच्ची ईस्ट की तरफ देख रही है जहाँ से बहुत सारे काले बादल आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से दौड़े चले आ रहे हैं, और वो स्काई की स्टार्स को ओवरलैप कर लेते हैं, ढक लेते हैं। तो ये देखकर बच्ची परेशान हो जाती है, रोने लगती है, और उसके फादर उसको कंसोल करते हैं और क्या कहते हैं कि बेटा रो मत, ये सब चीज़ें निकल जाएंगी, ये सब चीज़ें भी बीत जाएंगी, दोबारा से तारे चमकेंगे, क्योंकि तारे जो हैं इमॉर्टल हैं, ये बादल उनको हमेशा के लिए नहीं ढक सकते हैं। शेल शाइन आउट अगेन द एंड्योर द वास्ट इमॉर्टल सन्स एंड द लॉन्ग एंड्योरिंग पैंसी मून्स शेल अगेन शाइन। The dearest child, mournest thou only for Jupiter, considered thou along the burial of the stars. So here the poet somewhere want to console her daughter that stop weeping. कभी कोई बादल किसी स्टार को नहीं ढांक सकता, इन द सेम वे ना ही किसी सूरज को, ना ही किसी मून को, किसी चीज को नहीं ढक सकता, वो दोबारा से चमकेंगे ही। तो एक जुपिटर के लिए क्यों रोना, या स्टार्स के बरियल्स के लिए क्यों रोना? तो समवेयर यहाँ पर अगर हम देखें तो बात की जा रही है फेथ की, जहाँ पर कि जो हमारा पोएट है वर्ड्सवर्थ, वो ये शो करना चाहता है कि बेटा इट इज़ ऑल अबाउट फेथ, आपकी सोल को तो कोई मार ही नहीं सकता, तो आप किसी की डेथ पर क्यों रो रहे हो? क्योंकि डेथ तो मोमेंट्री है, हर चीज़ यहाँ पहले से ही थी, कुछ चीज़ नई नहीं है इस अर्थ पे, सिर्फ इंसान है जो आता जाता रहता है, तो डेथ पर क्या रोना? क्योंकि अगर सोल नहीं मर सकती तो तुम किसके मरने के लिए रो रहे हो? तो इन द सेम वे जैसे वो कह रहे हैं ना कि बादल ने स्टार्स को ढक लिया, या सूरज को ढक लिया, या चांद को ढक लिया, तो उस पर रोना कैसा? एक दिन ये बादल छट जाएगा और ये दोबारा से चमकेंगे। इन द सेम वे कि जब सोल तो मरती नहीं है, डेथ तो मोमेंट्री है, तो उसके लिए क्यों रोना है? तो यही चीजें यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। समथिंग देयर इज
With my lips soothing thee, adding I whisper, I give thee first suggestion, the problem and indirection. तो वो कह रहा है something there is, और यहाँ पर कुछ और भी है जो इन सब चीजों से पुराना है somewhere, और वो क्या है? Soul, हमारी soul ही सबसे oldest है, हमेशा वही आती जाती रहती है इस अर्थ पे सर्कल ऑफ लाइफ में, ठीक है ना? तो वही यहाँ पर बताने की बात कोशिश कर रहा है कि वही प्रॉब्लम्स और उनका सॉल्यूशन साथ के साथ दिया गया है. समथिंग देयर इज मोर इमॉर्टल इवन देन द स्टार्स, स्टार से भी ज्यादा इमॉर्टल क्या है? हम ही तो हैं उनसे भी ज्यादा इमॉर्टल, हमारी सोल ही है उनसे ज्यादा इमॉर्टल, ठीक है? तो इट इज गॉड हु इज इमिनेंट इन नेचर बेसिकली एंड हुज ग्लोरी एंड ग्रेटनेस नन कैन ऑब्सिक्योर और हाइड. ये देखो ना, हम कहते भी हैं कि हर किसी के अंदर परमात्मा का अंश है, तो सबसे ज्यादा पुरातन तो फिर वही हो गया. और अगर आपने कभी गीता पढ़ी हो तो गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझसे ज्यादा पुरातन तो कोई हो ही नहीं सकता. जब ये यूनिवर्स नहीं बना था तब से मैं हूँ, या जब शुरुआत हुई होगी कभी सृष्टि की तब से भगवान श्री कृष्ण अपने एग्जिस्टेंस की बात करते हैं. लेकिन जब अर्थ बनी तो उसके अंदर ह्यूमन बीइंग बने, ह्यूमन सोल्स बनी, तो हम उतने पुराने हैं जितना जो अर्थ का एग्जिस्टेंस है. तो इसके लिए क्या रोना अगर मोमेंटरी किसी बादल ने किसी तारे को ढक लिया, या किसी सन को ढक लिया, या किसी मून को ढक लिया, उसके लिए रोना और पछताना कैसा? तो यहाँ पर यही बात बताने की कोशिश की गई है. Something that shall endure longer even than lustrous Jupiter, longer than sun or any revolving satellite or the radiant brothers, the Pleiades. तो वो यही कह रहा है कि कुछ एक चीज जो इन सबसे पुरानी है, किस किस से पुरानी है, चाहे वो ये जुपिटर से पुरानी हो, चाहे सन से पुरानी हो, चाहे सैटेलाइट से पुरानी हो, चाहे रेडियंट सिस्टर या सेवन सिस्टर्स जिसको हम बोलते हैं उनसे पुरानी हो, या प्लेजिस से पुरानी हो, ये कुछ तो इमॉर्टल जो हमारी सोल है वो इन सबसे भी ज़्यादा पुरानी है. तो यहाँ पर आई विल मीन्स कंक्लूड दिस पोयम दैट इन दिस लिरिक द पोएट इज वेरी ऑप्टिमिज्म, और वही ऑप्टिमिज्म वो अपनी डॉटर को भी दे रहा है. ही इज टॉकिंग अबाउट हिज फेथ इन गॉड एज वेल एज द इमोर्टैलिटी ऑफ द ह्यूमन सोल. वो बात करता है अपने फेथ की गॉड पर और इमोर्टैलिटी ऑफ सोल की. और यही रीजन है कि उसको इसने कंपैरिजन किससे कर दिया है, क्लाउड से कर दिया है, और ह्यूमन सोल को किससे कंपैरिजन किया है, कभी स्टार से कर दिया, कभी सन से कर दिया, कभी मून से कर दिया, और कभी इनसे भी ज्यादा पुराना बता दिया, और फॉरएवर बता दिया कि इनसे भी ज्यादा पुरानी चीज हमारी सोल है. तो इमोर्टैलिटी की बात करता है समवेयर, लाइफ एंड डेथ की बात करता हुआ नजर आता है. सो इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी सिंपल इन द मीन्स सिंपल इन द मिस्टिक पोयम. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस पोयम अ लॉट. So, if you have any problem, feel free to call me. Thank you.